हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज। इफ यू वांट टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश देन गो टू माय अनदर चैनल। द लिंक ऑफ दैट चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप कनाडा में टीचर जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। किसी एक खास प्रोविंस में अगर आप टीचर जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे अप्लाई करेंगे, उसका क्या मतलब क्राइटेरिया है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, इसके अलावा क्या ऑप्शन है वहाँ पे जॉब पाने के लिए अगर आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं, यहाँ से अगर आप टीचर लाइसेंस ले लेते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा टीचर का क्या मार्केट है कनाडा का, उसके बारे में मैं अपडेट लेकर आया हूँ आज के इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने कनाडा टीचर जॉब्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाया है और उसमें मैंने अपडेट किया है और उसी का ये एक मतलब सेकेंड चैप्टर समझ लीजिए, जिसमें मैंने एक डिटेल में लेकर आया हूँ कि मैं इसमें डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि किस मतलब टीचर का क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उन वीडियो में मैं इतने डिटेल में नहीं बता पाया था, इवन मैंने वेबसाइट जाकर नहीं दिखा पाया था, तो वही सब मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा और वेबसाइट दिखाऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और इसका कुछ और पार्ट आने वाला है बिकॉज ये एक पार्ट में वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से और इस पार्ट इस पे मतलब वीडियो देखना है, इसका और पार्ट पाना है, तो आप इसके लिए मुझे कमेंट जरूर करें और हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़े, इसके अलावा टेलीग्राम पर भी हमसे फॉलो कर सकते हैं और आपको कोई सवाल या डाउट हो तो वहां हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर पूरा मतलब जानकारी लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे मतलब क्या टीचर जॉब है कनाडा में और उसका क्या मतलब बेस है वहां पर। तो अगर आप लोग नए मेहमान हैं यहाँ पर, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली में इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वहां से जाने से पहले एक बार और मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर आप लोग माल्टा या कनाडा जाना चाहते हैं और आप लोग किसी अच्छे एजेंट या कंसल्टेंट को ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैंने दो फॉर्म डालकर रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करके भर सकते हैं और उसके बाद फिर वो डिटेल्स मेरे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं वो डिटेल कनाडा के उस एजेंट या माल्टा के उस एजेंट के पास भेज दूंगा जो लोग इस लाइन में अच्छे हैं, फेमस है और जेन्युइन काम करते हैं, फिर वो लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे और आपका वो काम कर देंगे। तो चलिए बस आगे बिना किसी लेट के हुए आगे चलते हैं और बताते हैं कि कनाडा में क्या ऑप्शन है टीचर के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि कनाडा एक अच्छा डेस्टिनेशन है टीचर जॉब्स के लिए और वहां पर अगर आप लोग टीचर एज ए टीचर मूव करना चाहते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और बेसिकली कनाडा का जो मार्केट है वहां पर दो तरीके से मतलब काम होती है, जैसे मान लीजिए आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ या टेरिटोरियल गवर्नमेंट हुआ, ये दोनों जो है वहाँ की स्कूल सिस्टम को देखते हैं और दोनों ही अपने लेवल में अपना अपना सबका दायरा है, उस दायरे के अंदर काम करते हैं और बेसिकली मतलब इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो स्कूल होता है और जो टेरिटोरियल गवर्नमेंट का स्कूल होता है। प्रोविंशियल मतलब समझ लीजिए कि जो कनाडा के जो प्रोविंस है, जैसे मान लीजिए ओंटारियो हो गया और मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोविंस है, अल्बर्टा है, ओंटारियो हो गया, मान लीजिए न्यू ब्रंसविक हो गया, आपका ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, ये सब जो इसके प्रोविंस हो गए, तो ये प्रोविंस के स्कूल भी कुछ होते हैं, इसके अलावा ट्रेडिशन के कुछ स्कूल भी होते हैं, तो इसमें कोई खास डिफरेंसेस नहीं होता है, बस थोड़े से जो लोकल स्कूल्स होते हैं मतलब जो लोकल अथॉरिटी होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, मतलब कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, किसी में कम होता है, इसमें कोई खास डिफरेंसेस नहीं होता है ऐसा यहाँ पर मतलब कनाडा का जो सिस्टम है एजुकेशन का। मैं आपको और बात बता दूं कि ये कनाडा का जो एजुकेशन है वो आपका किंडरगार्टन से स्टार्ट होता है और वो आपका 12th तक जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं के टू 12, मतलब के से लेकर 12th तक और मतलब किंडरगार्टन टू 12th। इसमें होता है क्या कि अगर आप लोग किंडरगार्टन बच्चे जो होते हैं उनको मतलब जो स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है तो उनका एज होता है मतलब 4 से 5 साल तक उनका एज होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको मतलब 5 साल से ज्यादा जो बच्चे उनका एज हो जाता है उनको क्लास 1 में मतलब एडमिशन दिलाया जाता है, ठीक है, और 1 से लेकर 12 तक को बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिलते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होता है प्राइमरी, उसके बाद फिर सेकेंडरी एजुकेशन इसमें शामिल है। तो अगर आप जब लड़के जो हो जाते हैं वो मतलब समझिए कि जो आपका ग्रेड जो होता है स्टूडेंट जो होता है प्राइमरी और जो सेकेंडरी स्कूल का जो ग्रेड होता है वो 6 और 8 होता है, मतलब 6 और 8 में वो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब डिफरेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में जाना चाहता है तो वो ग्रेड 6 और 8 इसके अंदर आते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है प्रोविंशियल एग्रीमेंट के ऊपर, मतलब कौन कौन से प्रोविंशियल में कौन कौन सा एग्रीमेंट है।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको आगे अपने मतलब अपना डिसाइड कर लेना है कि आपको किस मतलब स्टूडेंट को आपको पढ़ाना है, किंडरगार्टन में आपको स्टूडेंट को पढ़ाना है या आपको मतलब समझ लीजिए जो क्लास ग्रेड होते हैं 6 या 8 उनको पढ़ाना है या ग्रेड 12 वालों को पढ़ाना है, ये आपको डिसाइड कर लेना है। उसके बेसिस में आपको अपना अप्लाई करना है। नॉर्मली सबका प्रोसेस एक ही होता है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ अभी भी बता रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि इसका भी लिंक मैं आपको वेबसाइट में, इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी आप जरूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। हो सकता है कोई पॉइंट में बोलने में भूल जाऊं या नहीं बोल पाऊं, मैं सिर्फ आप लोगों को एक जरिया दिखा दे रहा हूं, एक रास्ता दिखा दे रहा हूं। अल्टीमेटली आप लोगों को अप्लाई करना है, आप लोगों को जॉब फाइंड आउट करना है, अगर आप लोग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको ही करना है। मैं आप लोग को एक रास्ता दिखा दे रहा हूं, तो बस इसी जरिए से मैं आपको बता रहा हूं। इसके ऊपर आप अपना डिटेल एग्जामिनेशन जरूर कर लीजिएगा कि इसमें कैसे अप्लाई करना है और क्या करना है। बेसिकली जो होता है वहां पर जो मतलब एजुकेशन स्टार्ट होती है, जो स्कूलिंग स्टार्ट होती है, तो अगस्त जो होता है अगस्त के महीने में, लेट अगस्त के महीने में ये स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यू रहता है जून के लास्ट तक। मतलब किसी हर साल का जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है वो अगस्त के लेट में स्टार्ट होता है और जून के लास्ट तक ये खत्म होता है। तो ये मतलब स्कूलिंग का वहां का टाइमिंग, मतलब ये मंथ में ऐसे ये खुलता है और ऐसे ये बंद होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के अलावा वहाँ पर फ्रेंच काफी चलता है, तो अगर आप इंग्लिश के अलावा फ्रेंच जानते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और वहां पर काफी आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आपको इंग्लिश के साथ फ्रेंच मतलब है तो आपको मतलब वहां पर रिक्वायरमेंट आपका है और आपको इजिली मतलब अपॉइंट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं, कनाडा में अगर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज अ टीचर, तो आप लोगों को मतलब सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कुछ प्रोविंस ऐसे कहते हैं कि आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज है जो लोग विदाउट सर्टिफिकेट भी आपको अलाउ कर देते हैं, तो ये डिपेंड करता है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप जॉब फाइंड आउट करेंगे कनाडा के उन स्कूल में, उन कॉलेजेस में, और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कैसे आप जॉब को मतलब देखेंगे, उसके लिए मैंने एक अलग सा मतलब वीडियो बनाया हुआ है। तो उसमें बेसिकली वो कई ऐसे वेबसाइट होते हैं, चाहे कई ऐसे मतलब स्कूल्स होते हैं जो जिनको जो ये कहते हैं कि हमें मतलब ये नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, विदाउट सर्टिफिकेट मैं हायर कर सकता हूँ, तो वैसे जॉब्स भी वहाँ पर मिलते हैं। अगर आप जॉब सर्टिफिकेट नहीं करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लेना नहीं चाहते हैं, मतलब टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते हैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा वीडियो है, आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखें और देखने के बाद उसके बेसिस में आप फाइंड आउट करें अपने जॉब्स को और देखें उसको कैसे वो करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है जो अभी आप मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे आप मतलब कनाडा के जॉब को फाइंड आउट कीजिएगा और कैसे आप मतलब विदाउट किसी टीचर लाइसेंस के आप ये जॉब को पाइएगा और कैसे आप फाइंड आउट कीजिएगा और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप देख लें अगर आपको टीचर लाइसेंस नहीं लेना है, और इसमें जो स्टेप दिखाएगा उसको आप फॉलो कर ले और फॉलो करने के बाद आप इसको जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों क्राइटेरिया वहां पर, मैं ये नहीं कहता कि आपको लेना ही पड़ेगा और मैं ये भी नहीं कहता कि अगर आपके पास नहीं है तो नहीं मिलेगा जॉब आपको, ऐसा भी नहीं है। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको मतलब आप लकी अच्छे हैं तो आप विदाउट सर्टिफिकेट भी आपको वहां पर जॉब मिल सकता है टीचिंग का, तो इस चीज को भी आप वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर जो होता है वहां पर जो मतलब स्कूल का जो काम चलता है, जो प्रोसेस होता है, तो उसमें स्कूल में बोर्ड्स होते हैं बहुत सारे, तो वो बोर्ड्स जो होते हैं वो स्कूल के मैनेजमेंट और उसके काम को देखते हैं। जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होता है, जो प्रोविंस जो होता है मेन प्रोविंस, वो क्या करता है एक रूल सेट करता है कि स्कूल ऐसे चलेगा और स्कूल ऐसे उसका काम शाम चलेगा, उसको उसमें स्टडीज ऐसे होंगे। इसके अलावा जो लोकल स्कूल के बोर्ड्स होते हैं, मतलब बोर्ड ट्रस्टीज जो होते हैं इसको, जैसा हमारे इंडिया में है, तो वो लोग स्कूल को चलाते हैं और वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स और स्टूडेंट को जो मतलब भर्ती होती है, चाहे उनका मतलब निकलना पड़ता है, वो लोग लेते हैं, चाहे उनको मतलब पास आउट होकर जाते हैं, तो ये सब काम सिर्फ स्कूल का बोर्ड देखता है। लेकिन जो रूल जो सेट किया जाता है, मतलब पढ़ाई का स्ट्रक्चर, रूल और लॉज रेगुलेशन, ये सब जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेट करता है। तो कनाडा का ये मतलब कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चा कोई आपका मतलब समझिए क्लास 12 का एजुकेशन पास कर लेता है, मतलब क्लास 12 पास कर लेता है, तो उसको एक हाई स्कूल डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो वो क्या करता है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में मतलब पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के बाद वो अप्लाई करता है, मतलब अगर पढ़ना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में, और वो अपना स्टडी को कंप्लीट कर सकता है। तो ये नॉर्मल वहां पर एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कनाडा के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, आपको हल्का से बताया।
अब बताती है कि अगर आप लोग टीचर के लिए वहां पर अप्लाई करते हैं तो क्या ऐसा रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर टीचर के लिए आपको पहले भी मैंने आपके वीडियो में बताया कि आपको बैचलर डिग्री तो मस्ट है, आपको लगेगा ही, और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है आपको लगेगा ही। इसके अलावा आपको प्रोविंशियल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपके बात किया। अगर आपके पास प्रोविंशियल सर्टिफिकेट नहीं है तो मैंने वो वीडियो बताया कि कैसे उसमें आपको जाकर देखना है और कैसे आपके लिए जॉब फाइंड आउट करना है। नहीं तो अगर आपके पास अगर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए और भी रास्ते खुल जाते हैं। तो ये दो चीजें आपको मैंडेटरी वहां पर लेने के लिए जॉब करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जॉब कनाडा में टीचर जॉब करने के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए एजुकेशन में, इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो ये दोनों चीजें को आपको लेना है। इन सब के अलावा आपको मतलब मान लीजिए अगर आपको वहां पर जॉब लेना है तो आप अगर आप इंडिया में है, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी है, तो आप उसी कंट्री से अप्लाई करना शुरू कर दिए ताकि वहां आप लोग जब जाए तो ये आपका काम इजी मतलब जल्दी हो जाए, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप कहीं ना ऐसा ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट है जो कि अगर टीचर का मतलब कोई जॉब वहां पर खोजना चाहता है, वहां पर ज्वाइन करना चाहता है, तो वो सब भी उसको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने में, ये चीज उसको और रिक्वायरमेंट में लगेगा। इसके अलावा उसको इंग्लिश और फ्रेंच आना चाहिए, दोनों ही आना चाहिए उसको। इसके साथ साथ आपको कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, उसके कल्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए क्या है नहीं है। इसके अलावा वो पढ़ाने के लिए ठीक हो, मतलब उसका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि अगर सर जो मतलब क्लास टीचर मतलब टीचर जो होगा वही क्रिमिनल होगा तो स्टूडेंट कैसे फिर निकल के आएंगे। ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि सबसे मेन जो बात ये है आपको कि अगर आपको सब चीजों के लिए आपको मतलब सुपरवाइज भी कभी कभी करना पड़ेगा, तो टीचरों को देखना पड़ेगा, मतलब हर तरीके से काम वहां पर आपको करने पड़ेगा, तो हर तरीके का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो जाता है। और सबसे मेन बात है कि अगर आपको सेकेंडरी टीचिंग जॉब करना है कैनेडा में, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको किसी एक टीचिंग मतलब सब्जेक्ट में आपको मतलब अच्छा आपको मतलब उसमें अच्छा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप सेकेंडरी स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं कैनेडा में और वहां का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, चाहे वहां पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा मतलब आपको रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट है ना कि आप किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स कर लिया आपने, तो उस पे आपका मतलब स्पेशलाइज्ड आपका उस पे ध्यान है, उस पे आप उस पे स्पेशलाइज्ड है उसमें, उस तरीके से आपको अगर सेकेंडरी जॉब करना है वहां पर कैनेडा में टीचिंग का, तो आपको मतलब सेकेंडरी टीचिंग जॉब करना है तो आपको एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होना पड़ेगा। इसके अलावा अदर जो सब्जेक्ट उसमें आपको हल्का भी हो तो आप चल सकता है, इन बातों को आप ध्यान रखें। ठीक है, और मेन जो बात होती है कि मतलब किसमें आपको स्पेशलाइज होना चाहिए, कौन कौन से डिमांड है, तो मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेजेस जो है वो उनके ज्यादा डिमांड है, साइंस के है, सोशल स्टडीज के हैं, बिजनेस के, इनका काफी वहां पर डिमांड है, तो इस सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइज होना पड़ेगा। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट है उसमें आप हल्के भी रहे तो कोई मतलब ऐसा नहीं है, आपका काम चल जाएगा। तो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि जितने भी इसके प्रोविंस है उसके अलग अलग हिसाब है, सबका अलग अलग ये है, तो आप सबके अलग अलग हिसाब को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं और उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इसके ऊपर बात करूंगा सस्कैचवान के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर मुझे पहले कमेंट आया हुआ था हमारे एक सब्सक्राइबर का कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं और बताएं कि टीचिंग जॉब के इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसीलिए इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। और मैंने जो अभी जो एक्सप्लेन किया ये कनाडा के ओवरऑल व्यू के बारे में, मतलब ओवरऑल बताया एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ये सभी प्रोविंस के ऊपर लागू होता है। ठीक है, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये जो अलग से प्रोविंस है इसके ऊपर जो क्या क्या लागू होने जा रहा है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर हम बताते हैं और वहां लेके चलता हूँ। और वहां जाने से पहले मैं आपको कुछ और बात बता दूं इसके बारे में कि ये है क्या। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो सस्कैचवान है ये एक प्रोविंस है कनाडा का, जो कि मतलब अपने काफी अच्छा प्रोविंस है, और वहां पर अगर आपको टीचिंग करना है पढ़ाना है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको वहां का एक टीचिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनसे लेना पड़ेगा लाइसेंस, और लेने के बाद ही आप वहां पर टीच कर पाएंगे। तो ये चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, और इसका और भी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा इसका फीस कितना है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, चाहे टीचर का कितना मतलब वहां पर सैलरी होता है, ये सब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने दूसरे वीडियो में। ये वीडियो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो काफी लंबा हो जाएगा, तो आज के वीडियो में सिर्फ यही मैं बता देता हूँ, इसी के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका क्या रिक्वायरमेंट है और इसमें क्या क्या और चीजें लगेंगी, कैसे अप्लाई करना है
और फर्दर इसका क्या इन्फॉर्मेशन, ये सब मैं इस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको प्री किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, मतलब ग्रेड 12 तक एजुकेशन सिस्टम के लिए आपको एक लाइसेंस जरूरी है, सस्कैचुआन टीचर सर्टिफिकेट आपको लेना ही पड़ेगा, यू मस्ट होल्ड। यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिखा हुआ कि यू मस्ट होल्ड, आपको यहाँ पर लगेगा, मतलब इस प्रोविंस में आपको टीचर लाइसेंस लगेगा ही लगेगा। और ये इशू करेगा आपको कि SPTRB, मतलब ये जो वेब बोर्ड है ये बोर्ड इशू करेगा आपको ये मतलब सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप और भी इसमें स्कूल में काम कर सकते हैं, जैसा कि आप रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट स्कूल में भी काम कर सकते हैं, और स्कूल जो ऑपरेट होते हैं फर्स्ट नेशन में, इसमें भी आप काम कर सकते हैं अगर यहाँ से आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जब आप इनके साथ लाइसेंस ले लेते हैं तो आपको इनके साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि ये लोग आप मतलब सर्टिफिकेट जो है आपका टीचर हुआ इशूड सर्टिफिकेट एंड वर्किंग टीचर आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, इनके साथ रजिस्टर करना पड़ेगा एनुअली, ठीक है। और इनके साथ मतलब टाई अप में रहना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया उसके बाद फिर आप मतलब आराम से हैं, कोई ये नहीं है आप तो सर्टिफिकेट मिल गया ऐसा कोई नहीं है। इनके साथ टाई अप में रहना पड़ेगा, मतलब टच में रहना पड़ेगा, और इनके साथ रजिस्टर भी रहना पड़ेगा। तो ये इनका का मतलब एक ओवरऑल रिक्वायर्ड मतलब सर्टिफिकेशन का क्या स्टेटस है इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये क्या कैसे काम करता है। तो 1995 में एजुकेशन एक्ट के तहत अकॉर्डिंग मतलब सेक्शन 198 के तहत ये ऐसा लॉ बना दिया गया था कि कोई भी पर्सन अगर मतलब एम्प्लॉयड होता है, चाहे रहता है एज अ टीचर या प्रिंसिपल या कहीं ज्वाइन करता है प्रोविंस में, तो उसको एक वैलिड टीचर सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा, ऐसा एक सर्टिफिकेट मतलब लॉ बना दिया था 1995 में, ठीक है। तो ये जो बता रहा है कि मतलब ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा तो इससे क्या बेनिफिट होगा, मतलब इसके क्या वैल्यू है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ये कह रहा है कि अगर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है तो आपको ये बताता है वो सर्टिफिकेट कि आप मतलब ऑथराइज्ड है यहाँ पर एज अ टीचर जॉब करने के लिए, क्योंकि आपने जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने फुलफिल किया है, आप मतलब एलिजिबल है इसके लिए, ये सर्टिफिकेट आपको ये बात बताता है। तो इस बात को ध्यान में रखने के लिए मतलब ये एक्सप्लेन किया इन्होंने बताया। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है अप्लाई करने से पहले, तो वो आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज मेंशन किया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले नंबर जो है रिक्वायरमेंट वो है आपका कि आपका जो ग्रेड होगा वो 12 और या उससे मतलब ग्रेड 12 या उससे उसके बराबर होना चाहिए, जो आपका ग्रेड होगा जिसमें आपने एजुकेशन लिया है वो ग्रेड 12 होना चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे होता है इंडिया में जैसे होता है उस तरीके से ग्रेड 12 होना चाहिए और उसके बराबर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका 4 साल का पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन का आपको चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस चाहिए कि आपने 4 साल कंप्लीट किया पोस्ट सेकेंडरी के एजुकेशन, उसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। इन सब के अलावा आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जो आपने मतलब कंप्लीट किया है जिसमें 48 सेमेस्टर होते हैं और उसके बाद फिर मतलब आपने कंप्लीट किया है, ये चीज आपको इसमें मेंशन करना, मतलब ये चीज आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर एक टीचिंग सर्टिफिकेट है मतलब किसी और एरिया का, किसी और प्रोविंस का, तो वो भी आपको यहाँ पर मतलब ये दिखाना पड़ेगा। इफ अगर आप सिचुएशन से बाहर से आप अप्लाई करते मतलब मिलता है तो वो भी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा आपके पास। तो ये उसका हल्का सा रिक्वायरमेंट है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेड्यूल एफ लिखा हुआ है, शेड्यूल एफ को आप क्लिक करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ शेड्यूल एफ कैसा है। एक बार अप्लाई करने से पहले मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको आप पूरा रीड आउट कर लें ये पूरे प्रोसेस को, उसके बाद अप्लाई करें, बिकॉज ये अप्लाई करने के बाद फिर ऐसा नहीं कि आप उससे मतलब पीछे हट सकते हैं, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है सब ईच एंड एवरीथिंग। तो आप इसको एक बार ग्रो थ्रू जरूर कर लें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये शेड्यूल एफ मिल जाएगा, ये पढ़ ले सकते हैं उसको, ठीक है। एक और बात आप ध्यान रख लें यहाँ पर कि यहाँ पर ये कहा हुआ है कि अगर आप इस प्रोविंस मतलब सस्कैचुआन के अलावा अगर आपके पास एक कोई और सर्टिफिकेट है, कोई और प्रोविंस आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप एलिजिबल है यहाँ पर जॉब पाने के लिए। ये नहीं कि आपके पास इन्हीं का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आपको यहाँ पर जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है। कैनेडा का किसी भी प्रोविंस का आपके पास सर्टिफिकेट है, टीचिंग सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर टीचिंग जॉब करने के लिए एलिजिबल है, ये चीज यहाँ पर कहा गया है। तो ये आपका एक और पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अप्लाई करना है इसमें तो कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको गाइड दिया हुआ कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है और कैसे इसमें आपको मतलब फर्दर इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें दिया हुआ था। जब इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कंप्लीट बताया हुआ कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई मतलब भरना है, कैसे अप्लाई करना है, प्रोग्राम के अंग कौन से होते हैं, और इसके मतलब यूएस टीचर सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी क्या होता है, कैनेडियन टीचर सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब सब कुछ इसमें बताया हुआ है। इसको आप रीड आउट कर ले और फिर आपको लगता है कि इसमें अप्लाई करना है तो आप इस तरीके से अपना अकाउंट बनाए और इसमें जो आपको गाइडलाइंस दिखा हुआ इसको फॉलो करे। फॉलो करने के बाद आप अपना अकाउंट बनाए और अकाउंट बनाने के बाद फिर अप्लाई करें। और बस यही मैंने आपको एक बताया, हल्का सा ग्लिम्स दिया इसके बारे में। और बेसिकली आपको करना आप ही को है, इन सबको फॉलो करना है, इन सबको देखना है और देखने के बाद लास्ट में अप्लाई आपको खुद से करना है। मैंने आपको एक जरिया दिखा दिया, बता दिया, तो इस पे आप खुद से अपना रिसर्च करें, खुद से फाइंड आउट करें और इसके बेसिस में और अपना यहाँ पर एक टीचर सर्टिफिकेट ले पाए। और अगर आपको अकाउंट यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पर आप भी क्लिक कर सकते हैं क्रिएट अकाउंट करके और यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ से आप अपना अप्लाई भी कर सकते हैं टीचर सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, और बस यही मैंने आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा मैं आप और भी इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेके आऊंगा। पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है इस पर लेकिन मैंने इतना डिटेल नहीं दिखाया हुआ है। तो इस बार मैं जो चैप्टर नया स्टार्ट किया हूँ टीचर जॉब के ऊपर, तो मैं कोशिश करूंगा कि कैनेडा के मतलब जो बेसिक रूल होते हैं कैनेडा के टीचिंग जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं सब मैं कवर करूंगा ये सब वीडियोज के अंदर। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए और आप लोग टीचर का जॉब चाहते हैं वहां पर कनाडा में जाना चाहते हैं तो आप लोग इसको फॉलो कर ले, आप लोग हमको सब्सक्राइब कर ले। मैं इस तरीके से और वीडियो लेके आते रहता हूँ ट्रैवल के ऊपर, वीजा के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, जॉब में जो स्कैम होते हैं उसके ऊपर लेके आते रहता हूँ। तो आप लोग इन सबको अपडेट हमारे इस चैनल पर जरूर पाते रहेंगे और कोई भी नया अपडेट होता है तो हमारे चैनल पर जरूर पाते रहते हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड और फैमिली में से शेयर जरूर कीजिएगा।